हेलो फ्रेंड्स, मोना की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं एक नया प्रकार की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि सबको पसंद आता है। बच्चा को टिफिन में दीजिए चाहे घर में नाश्ता खाइए, बहुत अच्छा लगता है। इसको गेहूं के आटा से बना मिक्स वेज आटा रोल, गेहूं आटा रोल, जिसमें मैं हरी सब्जियाँ बहुत सारा हाफ फ्राई करके और ये मैं आटा से बना आटा को डबल रोटी बना के मैं इसमें करके बनाई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अमेजिंग होता है। एक तो हेल्दी तो होता ही है और टेस्टी भी होता है। तो फ्रेंड्स, मेरा रेसिपी अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं और आगे का वीडियो बना सकूँ। थैंक यू। हाँ, तो आटा भेज रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैं आटा लगा लेंगे। ये है गेहूं का एक कटोरी आटा, इसको मैं गूंथ के डो बना लूँगी। इसमें मैं एक स्पून ऑयल डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि आटा सॉफ्ट बने। आटा सबसे पहले लगा के रख लूँगी, तब तक आटा मेरा रेस्ट में रहेगा, फूलेगा। उसके बाद मैं इसका सब बैटर बनाऊंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथना है। मेरा आटा गूंथ गया है, इसको मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दे रही हूँ ताकि इसका रोल जो बने एकदम सॉफ्ट बने। ये कढ़ाई मेरा गरम हो रहा है, इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डालूँगी। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा में भी हो जाता है। इसमें मैं 1 इंच जीरा डालूँगी। जीरा से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सौंधा सौंधा। जीरा हल्का सा वो हो गया ब्राउन, इसमें मैं हरी मिर्च और ये अदरक कूट के मैं रख ली हूँ, इसको डाल दूँगी। ये थोड़ा सा भुन जाएगा, जितना भी मैं सब्जी रखी हूँ। सभी मैं सब्जी लंबा लंबा काट ली हूँ। ये प्याज है, 1 बड़ा प्याज में काटी हूँ, 1 बड़ा टमाटर, 1 शिमला मिर्च और 1 गाजर, मैं इतना का बना रही हूँ। मैं सब उसमें डाल के भून लूँगी। सबको हाफ फ्राई करूँगी, पूरा नहीं भूनना है। तो 2 मिनट तक सॉफ्ट होने के लिए, सॉफ्ट जब तक हो जाएगा तब तक मैं इसको भून लूंगी। मैं इसको मीडियम फ्लेम पर भून रही हूँ। मैं इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बहुत ही अच्छा बनता है, आप लोग भी अपने घर में बना के खाइए। बहुत हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। ये थोड़ा सा भून गया है, इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी, कटा हुआ टमाटर। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट भूनूंगी। ये सभी सब्जियाँ हाफ फ्राई हो रही हैं, लमसम हो गई, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। इसमें मैं पनीर डाल रही हूँ, बारीक काट के रखी हूँ 100 ग्राम पनीर।
सारे वेजिटेबल भून गए हैं, अब मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूंगी। मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर ली हूँ और इसमें मैं धनिया पत्ता सर्व कर दूंगी। अब आगे का प्रोसेस, मैं तवा रख रही हूँ, मैं तवा पे ही बनाने जा रही हूँ। ये आटा मेरा गूंथ गया है, देखिए ऐसे ऐसे लोई बना के ये मैं डबल रोटी बना लूंगी। इसमें थोड़ा सा आटा डाल के डबल रोटी अच्छा सा बेल लूंगी। अब मेरा तवा गर्म हो गया है, इसमें मैं डाल दूंगी। इसको मैं पलट दूंगी, थोड़ा सा पक जाएगा, इसमें मैं ऑयल लगा लूंगी। से मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लूंगी। जैसा आप सेकना चाहें, इसको मैं मीडियम फ्लेम पे सेक रही हूँ ताकि टाइट ना हो ज्यादा। दोनों तरफ से ब्राउन हो जाएंगे निकाल लूंगी। ये मेरा डबल रोटी बन गया है, इसको मैं निकाल लूंगी। सेम प्रोसेस में दूसरा डबल रोटी रख दूंगी। देखिए कितना बढ़िया ये रोटी वो हो गया है। थोड़ा ठंडा होने दूंगी तो इसको डबल रोटी में से मैं निकाल लूंगी। देखिए दूसरा भी डबल रोटी बनके तैयार हो गया, तो मैं इसको प्लेट में कर दूंगी। हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं दो दो भाग में कर दूंगी। इसमें मेरे चार आटा रोल बन जाएंगे। फिर ऐसे रोटी को ऐसे करके चाकू से ऐसे मैं कर लूंगी। ये मेरा एक रोटी में दो रोटी बन गया। अब मैं इसको आपको रोल बना के दिखाती हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे मैं इस पे टमाटो केचप लगा दूंगी। आप जितना मात्रा में लगाना चाहें, ये आप जैसा खाना पसंद कर रहे हैं वैसा लगाइए। इसके ऊपर मैं मेयोनीज लगा दूंगी, आधा चम्मच में, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा। और ये जो मैं मिक्स सब्जी जो भूनी हूँ सारा, उसको मैं अच्छे से लगा दूंगी। फिर इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। देखिए कितना बढ़िया रोल बनके तैयार है, सभी को पसंद आता है। इसी प्रोसेस में सारा रोल में बना के तैयार कर ले रही हूँ। आप सभी अगर तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं, इस पे ग्रीन चटनी भी स्पाइसी वाला रख सकते हैं। और इसी प्रोसेस में इसको ऐसे ऐसे सब्जी वो करके, अगर आप कुछ अलग खाना चाह रहे हैं तो इस पे चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल सकते हैं।
इसको ऐसे रोल करके फर्स्ट क्लास आटा रोल बनके तैयार है। इसको बीच से कट कर लीजिए, देखिए कितना बढ़िया मज़ेदार आटा रोल बनके तैयार है। बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी अपने घर में बना के खाइए। इस तरह से बनाइए, सर्व करिए। अगर आपके बच्चे टिफिन अच्छा पसंद नहीं कर रहे हैं तो इस तरह का टिफिन बना के देंगे तो बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे। घर में सुबह शाम नाश्ता के लिए भी, चाय के साथ भी, हर चीज़ के लिए परफेक्ट रेसिपी है फ्रेंड। बहुत अच्छा बनता है ये।